सीएम ने समीक्षा बैठक में हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस दौरान हिंदी में पढ़ाई करने वाले मेडिकल स्टूडेंट से मिले फीडबैक को लेकर चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम आज से फिर एक्टिव हो गया है। इससे आज प्रदेश के 22 जिलों में बारिश की संभावना है। अगले 4 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। सीनियर आईएएस अधिकारी टी इलैया राजा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हर्ष दीक्षित केंद्रीय मंत्री नड्डा के निज सचिव बनाए गए हैं। टी इलैया राजा रीवा में कलेक्टर रह चुके हैं, वर्तमान में है, जबकि कलेक्टर हर्ष दीक्षित राजगढ़ में कलेक्टर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने राजगढ़ सांसद रोडमल नागर को नोटिस जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा चुनाव के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर उनसे जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम सुबह 9:30 बजे संघ कार्यालय समीधा पहुंचे। यहां करीब 1 घंटा रहने के बाद सुबह 11 बजे बिहार रवाना हुए। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के स्पाई पेंट में बढ़ोतरी की गई। जूनियर डॉक्टरों को बढ़े हुए स्पाई पेंट का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। वह स्पाई पेंट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। स्पाई पेंट में लगभग 3,000 बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गधे चोरी का मामला पुलिस प्रशासन की जन सुनवाई में पहुंचे हड़कंप मच गया। शहर से पिछले 1 सप्ताह में 25 से ज्यादा गधे चोरी हो चुके हैं। अब पशुपालकों ने इसकी शिकायत पुलिस को की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई, न ही गधों को ढूंढने के लिए कोई प्रयास किया गया। इससे नाराज हुए पशुपालक शिकायत लेकर SP की जन सुनवाई में पहुँच गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जल्द ही पैसों की बारिश होने वाली है। यदि सब कुछ अच्छा रहा तो केंद्र सरकार की ग्रीन फील्ड सिटी योजना में जबलपुर शामिल हो जाएगा। ग्रीन फील्ड सिटी के लिए जिला प्रशासन ने करीब 3,260 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी केंद्र शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए 332 हेक्टेयर भूमि को भी चिन्हित कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में प्रसिद्ध चिमचिमा हनुमान मंदिर पर चोरी की बड़ी वारदात घटित हुई है। बीती रात मंदिर पर धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने 5.5 किलो चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी है। ग्वालियर की महिला मेडिकल ऑफिसर से कुछ महीने पहले किए गए 38 लाख रुपए के फ्रॉड में चीन UAE कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भोपाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि आरोपी चीन और UAE के साथियों के साथ मिलकर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे।